एक फैसला ये लेता हूं कि हम यहां से गोरखपुर चलें। और गोरखपुर के एक बाकमाल शायर से गुजारिश करें कि यहाँ के लोग, यहाँ जो चुप हैं उनकी जबान खुले, वो लोग भी समझें कि अगर बाहर के शायर आए हैं तो वक्त से उन्हें पढ़ाया भी गया है। जनाब वसीम मजहर, गोरखपुर का एक बड़ा नाम जो आज हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में वो तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं जनाब वसीम मजहर से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें, लेकिन ऐसे नहीं जिस तरह आप खामोश होकर सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं वसीम मजहर के लिए और ये बताएं कि हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वसीम मजहर जब पढ़ें तो एक एक शेर पर उनके साथ सफर करें, ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि यह मुशायरा तारीखी बन जाएगा। माइक पर हिंदुस्तान का, मुशायरों के स्टेज का एक बड़ा शायर जनाब वसीम मजहर, उनसे मैं गुजारिश करता हूं और आपकी तालियों की हर वक्त दरखास्त है कि आप सुने, तारीफ करें, वाह वाह करें, जैसे भी करें, लेकिन खामोश न रहें। मुशायरे का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो ये खामोशी ही है, इसलिए आप अपनी खामोशी तोड़िए। और वसीम मजहर से गुजारिश है कि ये गोपालगंज के सुदूर इलाके का एक क्षेत्र है जलालपुर, जहां ये मुशायरा हो रहा है, आप सुने, सीवान का है। देखिए गोपालगंज और सीवान में इसलिए मैं फेल कर जाता हूं कि 1972 के पहले का दिन मुझे याद है, जब अच्छा ये माइक वाले कैसे ठीक हो गए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा सबके साथ एक सा एक तरह से पेश आइए। वसीम मजहर साहब सुन रहे हैं तो मैं ये कह रहा था कि 1972 के पहले के हम लोग हैं, फहीम साहब भी 1972 के पहले के हैं, मैं भी हूं। जिस वक्त न गोपालगंज जिला था न सीवान, हम तमाम लोग छपरा जिला में थे। फिर उसके बाद गोपालगंज और सीवान एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर गोपालगंज और सीवान भी दो हिस्सों में हुआ है, मैं कहीं से अलग नहीं मानता। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल। हेलो, ठीक सरजमीने जलालपुर की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अतीक अहमद साहब को आज की इस खूबसूरत बज्म के लिए। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखने वाले, उस्ताद की हैसियत रखने वाले मेरे मोहसिन मेरे करम फरमा फहीम जोगापुरी साहब का, जिनके तवस्सुल से आज के इस मुशायरे में मेरी हाजिरी हुई है। और सदर आली वकार, चार मिसरों से अपने शेर सफर का आगाज करना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये मुशायरा कौमी एकता के नाम है, तो चाहता हूं कि बात भी वहीं से शुरू करूं, उसके बाद जैसा आपका हुक्म होगा वैसा किया जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब देखिए, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन जब बात वतन की आती है तो हम हाथ में हाथ डाले अपने इस वतन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। यहीं से बात शुरू करता हूं, अगर बात चौथे मिसरे पर लग जाए कि आपके मन की बात है, तो एक एक शख्स की दुआएं, एक एक शख्स की तालियां मेरे हिस्से में आए। और पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक चाहता हूं कि एक एक शख्स मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे, मैं चार मिसरों से अपनी शेर सफर का आगाज। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, बात आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह, सुनिए। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे
वाले हैं। बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत दुआएं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा आप सुनेंगे, लेकिन आपकी तालियों ने बता दिया कि आप सब जिंदा दिल लोग हैं, आप सब इंशाल्लाह शायरी की हिफाजत करेंगे, करना जानते हैं। तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। बार बार पाकिस्तान का जिक्र आता है, बार बार कश्मीर का जिक्र आता है, लेकिन मैं एक अदना सा शायर अपने उस पड़ोसी भाई को, अपने उस पड़ोसी मुल्क को किस तरीके से जवाब हम सब देना जानते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियां मेरे इन मिसरों की ताइद होंगी। बतौर खास मुलाजा फरमाए। तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे। मेरे इन मिसरों की ताइद, आपकी तालियां। लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, मारोगे हाँ मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओ, छीनोगे कश्मीर। आप तक मेरी बात पहुंच रही है ना? बहुत शुक्रिया। चाहता हूं कि जो लोग पीछे हाथ पे हाथ बांधे खड़े हैं, एक बार मुशायरे में आ जाइए। आप सबकी शमूलियत बहुत जरूरी है इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए। अंतिम चार मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूंगा। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, हम दुश्मन को दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे। पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों, देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों। जब हम अपने सर पर तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने सर पर तिरंगा बांधेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हिफाजत की। अब यहां से एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, जिसका उनवान है मेरा हिंदुस्तान। उसके बाद अगर वक्त रहा, आपकी इजाजत रही, तो एक छोटी सी नज्म मेरे नौजवान दोस्त जो तशरीफ रखते हैं उनके लिए कुछ मिसरे और एक छोटी सी नज्म पेश करूंगा। नज्म का उनवान है मेरा हिंदुस्तान। तमाम शोरा इकराम को जिम्मेदार बनाते हुए बड़ी जिम्मेदारी भरी नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, मोहिदीन साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं लेते हुए, तमाम शोरा इकराम की दुआएं लेते हुए नज्म का मतलब जलालपुर में पढ़ता हूँ। जेके मीडिया इस मुशायरे को कवर कर रहा है, कल पूरी दुनिया में इस मुशायरे को यूट्यूब के जरिए से देखा और सुना जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब कैमरामैन आपकी तरफ कैमरा ले जाए तो बताइए पूरी दुनिया को कि जलालपुर में इस तरीके की शायरी किस तरीके से सुनी जाती है। इजाजत है, तालियां बजाकर इजाजत दें। वो नज्म का मतलब यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। 10-12 साल हो गए शायरी की दुनिया में कदम रखे हुए, लेकिन इससे बेहतर कलाम मैंने अभी तक नहीं कहा है। पहला बंद इस नज्म का आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, शोरे क्राम से खुसूसी तौर पर तवज्जो चाहता हूं। मुलाजा फरमाइएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान,
मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग जबान, गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, धुल जाते हैं पापिस में जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत शुक्रिया। यही है मेरा हिंदुस्तान। मैं पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप पूरे ताकत से आप भी दाद दीजिए, जो लोग पीछे बैठे हैं हाथ पे हाथ बांधे, थोड़ा सा आप अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे हौसले में इजाफा होगा। मेरे बाएं जानिब जो जहां तक मैं देख पा रहा हूं चचा बैठे हैं और बहुत सारे लोग तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं लेते हुए अगला बंद इस नज़्म का पढ़ता हूं। अब यहां से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जंगे आजादी को नजर में रखिए और ये मेरा बंद मुलाजा फरमाए। इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो अशफाक उल्लाह खान की भी कुर्बानी इसी मिट्टी में दफन है। मैं इस नज्म का अगला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे मोहसिन, मेरे कर्म फरमा डॉक्टर अक्सवारसी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं लेते हुए ये बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्ला और नामों से डर जाते थे, अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने, चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। बहुत शुक्रिया। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने, चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है। वाह, इस मुशायरे के चीफ गेस्ट आपको माला पहना रहे हैं, मुबारक हो आपको और इस मुशायरे को। दोस्तों, आप जिस तरह से सुन रहे हैं, मैं आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, और वो जो लोग पीछे खड़े हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता आप आ सकते हैं, यहाँ कुर्सियां खाली हैं, यहाँ आप बैठ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाजरीन, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। यही है मेरा हिंदुस्तान। डॉक्टर साहब, आप पूरा देश पूरी दुनिया घूम के चले आइए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान के जैसा देश नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां तमाम नदियां आकर आपस में मिलती हैं और पूरे विश्व में कौमी एकता का पैगाम देती हैं। इलाहाबाद में वो संगम देखने को मिलता है, इसका मतलब कि अल्लाह ने
हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमीन है, ये प्यार का वतन है। मैं इस नज्म का अगला बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बतौर खास जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, मुलाहजा फरमाइएगा, सुनेगा मोहिद्दीन साहब। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। कानों से आवाज अजा की रह रह कर टकराती है, रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली, दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। तमाम खूबसूरती को समेटता हूं अगले बंद में। इस नज्म का आखिरी बंद व्यापित मोहब्बतों की दहलीज तक बतौर खास पहुंचा रहा हूं। मेरे बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूं, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं उनकी दुआएं चाहता हूं, सबकी दुआएं लेते हुए ये बंद बतौर खास इस नज्म का आखिरी बंद मुलाजा फरमाएंगे। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्ती ओ सरसई यद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्ती ओ सरसई यद ने इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मी बाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला, कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्ला। इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है हाजरीन। वाह 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 वाह। चूंकि आज का ये मुशायरा कौमी एकता के नाम है तो एक जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पर, मैं चाहता था कि पहले उसका हक अदा कर दूं। अब मेरी आंखें उन नौजवान दोस्तों को तलाश रही हैं जिनके लिए मैं आप मुशायरे में आता हूं आपको सुनाने के लिए। अब यहां से चाहता हूं कि मेरे कुछ नौजवान दोस्त एक बार हाथ उठा के मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा दें। एक बार दोनों हाथ को उठाइए और उन दोनों हाथों को तालियों में तब्दील करके मुझे इजाजत दें। अब यहां से आपकी खिदमत दो चार मिनट करूंगा, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, इजाजत है ना? हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूं। आपके मन की बात अगर हो गई हो तो आप इस बार जो लोग अब तक खामोश रहे हैं चाहता हूं कि वो भी शरीक हों और मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। बतौर खास ये चार मिसरे मुलाजा फरमाएं। दिल नशी खुश अदा खूबरू चाहिए, मुझे दो मिनट की एक नज्म पढ़नी है जिसका उनवान है फेसबुक वाली लड़की, लेकिन वहां तक सफर करने के लिए चार मिसरे चार चार मिसरे आप तक पढ़ूंगा पेश करूंगा, उसके बाद वो नज्म आखिर में। दिल नशी खुश अदा खूबरू चाहिए, दिल नशी खुश अदा खूबरू चाहिए, जिक्र तेरा मेरा चार सू चाहिए, जिक्र तेरा मेरा चार सू चाहिए। तुझको अपना बनाने की है आरज़ू, तुझको अपना बनाने की है आरज़ू,
तेरा नंबर नहीं मुझको तू चाहिए, तेरा नंबर नहीं मुझको तू चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ बतौर खास, पहली सब से लेकर आखिरी सब तक बतौर खास। दोस्तों ये कह रहे थे कि तेरा नंबर नहीं मुझको तू चाहिए, उसका नंबर 420 है, क्या ख्याल है आपका? बहुत शुक्रिया। तेरा नंबर नहीं मुझको तू चाहिए, थोड़ी सी और जिंदा दिली पैदा करने की जरूरत है मेरे लिए ना सही, लेकिन आने वाले जो शोर इकराम, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भरपूर माहौल आप बनाए। बतौर खास ये चार मिसरे आपकी खिदमत में मुलाजा कीजिएगा। हसरतों की किताब किसको दूं, शरीक करता हूं शोर इकराम को यहां से लेके वहां तक। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई हसी चेहरे, सामने है कई हसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूँ, सोचता हूँ गुलाब किसको दूँ। मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि आप तालियां बजाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके हाथ बंधे हुए, एक बार खुल के तालियां बजाइए, मुझे लगे कि आप भी इस मुशायरे में मौजूद हैं। बतौर खास चार मिसरे और सुनाता हूँ, एक आशिक गुफ्तगू कर रहा है इन मिसरों में, सुनने के बाद अगर आपके दिल की धड़कनों के तार बज उठे तो यहाँ से लेके वहां तक एक शक्ति शमूलियत हो, बतौर खास मुलाजा फरमाए। सोचता हूँ गुलाब किसको दूँ, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, दीवानों तैयार रहना, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज बदनाम लेके मर जाए, है तमन्ना कि तेरी गलियों में, है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए, हम तेरा नाम लेके मर जाए। अब आखिर में एक मतलब एक शेर, उसके बाद से वो छोटी सी नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूंगा, बतौर खास मुलाजा फरमाए। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, आपकी बात है। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, नहीं उधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा पिछले दिनों मैं अपने किचन में चाय बनाते हुए यही पंक्तियां गुनगुना रहा था, चुपके से मेरी माँ ने सुन लिया। तो चाय भी आप अपने घर में आप ही बनाते हैं? जी जी जी, अच्छी बात है। घर की बात अगर महफिल में आ जाए तो इस बात पर एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, चाय बनाते हुए यही पंक्तियां गुनगुना रहा था, चुपके से मेरी माँ ने सुन लिया। मेरी माँ ने एक छोटी सी बात कही, मैंने उसको शेर बनाया है। अब वो शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और सुनने के बाद अगर लगे कि आपका एहसास उस शेर से जुड़ा है तो सबकी दुआएं चाहता हूँ, बतौर खास पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो,
एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। बहुत शुक्रिया। अब आखिर में एक दो मिनट की छोटी सी नज्म है जिसका उन्वान है फेसबुक वाली लड़की। कितने नौजवान यहाँ सुनना चाहते हैं उस नज्म को, एक बार तालियां बजा कर इजाजत दें, वो नज्म आप तक पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा हर शख्स सोशल मीडिया से जरूर जुड़ा हुआ होगा, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, जो भी है। अब नज्म यहाँ से शुरू होती है, शरीक करता हूँ एक एक शख्स को बतौर खास, सुनिएगा। अर्ज किया है कि फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम। उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम, अपने पाकीजा लब से मेरा नाम लो, हो अकेले तो फिर हाथ ये थाम लो। उसकी जानिब जो मैंने बढ़ाए कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम, फूल दिल में वफा का महकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए, आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, आपके कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम, आपके कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम। उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का, हर घड़ी जहन पर मेरे भारी रही, रात भर एक अजब बेकरारी रही, जागते जागते जब सहर हो गई, वो मेरे सामने जलवगर हो गई। अपने हाथों में लेकर मेरे हाथ को, और बयां कर दिया दिल के जज्बात को, मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम, साथ चलने से पहले इरादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। आ गए खुशबुओं की पनाहों में हम, खो गए एक दूजे की बाहों में हम, चूम कर उसके माथे को मैंने कहा ध्यान से अब मेरी बात सुन दिलरुबा, याद करना तुझे अब मेरा काम है, दिल के सफहों पे बस तेरा ही नाम है, तू ही ख्वाहिश है अब और तमन्ना मेरी, मैं हूँ यूसुफ तेरा तू जुलेखा मेरी, मैं हूँ यूसुफ तेरा तू जुलेखा मेरी। शाम जब लौट कर वो गई अपने घर, खौफ खाने लगी हर नजर देखकर, उसकी माँ ने कहा सुन तेरी माँ हूं मैं, तू मेरा खून है और तेरी जाँ हूं मैं, तेरी आंखों में चाहत का मफहूम है, तू गई थी कहाँ मुझको मालूम है। चोरी चोरी मुलाकात सुनती थी मैं, चुपके चुपके हर एक बात सुनती थी मैं, इससे पहले तू कोई उठा ले कदम, तेरे हाथों में मेहंदी रचा देंगे हम। अगर कभी उससे मिलने को जाएगी तू, अपनी अम्मा को जिंदा न पाएगी तू। उसका रिश्ता गुनाहों से जोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया, कुछ महीने न मिल पाई उसकी खबर, ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर। उसकी जानिब का हर रास्ता बैंड था, उससे मिलने को दिल मेरा बेचैन था, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, ये नशे मन मोहब्बत का जल जाएगा। हमने सोचा था गुजरेगी आराम से, कितने नादान थे इसके अंजाम से। फोन उसने अचानक किया रात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में, अश्क से अपने दामन को धोते हुए उसने मुझसे कहा खून रोते हुए, एक बगावत का तूफान समुंदर में है, अब बिछड़ जाना शायद मुकद्दर में है, हो गया है मेरी शादी का एग्रीमेंट, मेरी अगले महीने है इंगेजमेंट, मैं हूं मजबूर इंसाफ कर देना तुम, हो सके तो मुझे मुआफ कर देना तुम, मेरे जाने का हरगिज़ ना रखना मलाल, रो के बोली कि तुम अपना रखना
मेरा ख्याल, याद आऊं तो पल के भिगोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं। सुन के बातों को गमगीन होने लगे, फूट कर दोनों एक साथ रोने लगे, दिल का चैनो सुकून सारा खोते रहे, देर तक फोन पर दोनों रोते रहे। प्यार कब घट गया कुछ पता ना चला, फोन कब कट गया कुछ पता ना चला, दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, मुद्दतों फिर ना मिल पाई उसकी खबर, जो तमन्ना थी दिल में फना हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई, फेसबुक वाली लड़की। दोस्तों वसीम मजहर साहब देशभक्ति से शुरू हुए थे और देशभक्ति से शुरू होकर फोन पोर वाली लड़की तक पहुंच गए, ये उनका कमाल था। आपने सबको सुना, उनके देशभक्ति गानों को भी सुना, वो जो नज्म उन्होंने देशभक्ति के हवाले से कही है उसको भी आपने सुनी, और फोन पर वाली लड़की को भी आप सुन रहे थे। मैं समझता हूं कि इस दौर में फोन पर वाली लड़की, फेसबुक वाली लड़की तो रोज मिलती है, देशभक्ति का नजारा कभी कभी मिलता है, इसलिए इनके देशभक्ति पर एक बार ताली बजाएं। मंदिर के कलश और ये मस्जिद की मीनारें, हर सिमत लुटाती है मोहब्बत के नजारे, शंखों का अजानों का मिलन मेरा वतन है, बहती है यहां गंगो जमन मेरा वतन है। दोस्तों आज से पता नहीं कितने साल कबल साहिर लुधियानवी ने लिखा, और उस वक्त उनको अंदेशा हो गया था कि हिंदुस्तान शायद उसी चौराहे पे खड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा था कि वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, हमारी इम्तहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। हमारे सरहदों पर खून बहते हैं, बहता है जवानों का, हुआ जाता है दिल छलनी हिमालय के ढलानों का, उठो रुख फेर दो दुश्मन के तोपों के दहानों का, वतन के सरहदों पर आहनी दीवार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। दोस्तों ये फेसबुक से लेकर वतन तक का नगमा पेश करके जनाब वसीम मजहर साहब रुखसत हुए हैं, आपने खूब तालियां बजाई हैं, आपने उन्हें मोहब्बत से सुना है, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और वसीम मजहर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप दोनों ने मिलकर वो कमाल दिखाया है कि अतीक साहब जो ख्वाब पाले हुए थे शायद वो ख्वाब पूरा हो रहा था। मैं अब इसके बाद